हे गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है, दिल्ली टू यूपी ट्रिप। मैं एक शादी में जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता किसकी शादी है, देखते हैं कैसा रहेगा। फर्स्ट व्लॉग है, थोड़ा सपोर्ट कर देना प्लीज। हंसने की बात नहीं है, जो मुझे देख के हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। फाइनली हम निकल चुके हैं और अभी मैं गली में हूँ अपनी, तो गली का व्यू है। हमारी सवारी है, हमारी गाड़ी है जिसमें बैठे जाएंगे। तो फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यही वो इंसान है जो मेरे को जबरदस्ती लेके जा रही है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा मन नहीं जा रहा। फालतू लोग। ये देखो रेलवे स्टेशन, ये क्या है ये? लॉकडाउन है, इतनी भीड़ है, इनको काम धंधा नहीं, लोगों को फालतू घूमते रहते हैं। ट्रेन में आ चुके हैं, फाइनली हम भोगांव पहुंच गए हैं। 4:30 बज रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कुछ हमें मिले, सब खा लिए, हमारी ट्रेन भी जा चुकी है, हम दोनों को नींद आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, देखा जाएगा। ये वो तो नींद आ रही है। फाइनली जहां आना था वहां पहुंच चुके हैं, नींद भी मैं पूरी कर चुका हूँ और अब 2 बज चुके हैं। यार इतना बोर हो रहा हूँ ना, मैं खेत में आके बैठा हूँ, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बोर हो रहा था तो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, वो भी बोर हो चुकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये गाइस कैसे हो? फाइनली ना 3 बज चुके हैं, यार इतनी बोरियत हो गई है, लाइफ में पहली बार इतना बोर हुआ हूँ, समझ सकते हो कहाँ आके बैठा हूँ। देखो इसको भी, यार इतना तो पहली बार इस जगह आया मैं, मैंने नहीं सोचा था ऐसी हालत होगी, ऐसी जगह होगी, नहाया तक नहीं हूँ सुबह से। पता नहीं यार लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ सामने शादी है, मुंह तक नहीं धोया मैंने। इनको देख रहा हूँ, समझ नहीं आता यार क्या करूँ। तो हम फाइनली पछता रहे हैं आके, बड़ा जोश था इसे, सकते हो आप हमारी कैसी हो रही है। घूमने चलेंगे, मक्खियाँ घूम रही हैं, हद हो गई है यार, व्लॉग व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है आज के बाद। नौ गाँव की शादी। सो कैसा लग रहा है आप? इतनी गर्मी सहन करने के बाद मेरा सबर का बांध टूटा और मैंने सर धोया। ये काम मैं ऑफ एयर भी कर सकता था और किया मैंने। नहाने की हिम्मत हो नहीं रही, नहाने जैसे यहाँ कुछ है नहीं, सिर धो लिया, थोड़ा सुकून मिलेगा थोड़ी देर, बस मैं जल्दी चाहता हूँ यहाँ से निकलूँ घर जाऊँ। और इन्होंने इस जगह पे अपना सर धोया है, ये देख सकते हो गांव का हेडपम्प। फाइनली शाम के 6 बजे हम दोनों नहा के रेडी हो चुके हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लग रहा है अब कहीं आए हैं, मतलब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और हमारे अपने लोग भी आ गए हैं, हमारे छोटे बच्चे कहाँ गए भाई? नहीं ये रहे बच्चे। और ये हमारी छोटी दीदी हैं, दीपकिया दीदी, कैसी हो दीदी? बता रहे गोबर में जाएगी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहा धो के रेडी हो के अभी थोड़ी देर बाद में शादी में, ये देखो कैसे घूर रही है, थोड़ी देर बाद में शादी वादी का भी जो भी प्रोग्राम है वो करेंगे। अब देखो ये भी अच्छी लग रही है, नहाके दिखाएंगे आपको। फाइनली फ्रेश होके बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, अब इतना नहीं पूछा था तो बताना जरूरी है। यार यहाँ से मैं अच्छा लग रहा हूँ, बाय द वे आपको बता दूं सारे लोग मेरे को घूर रहे हैं, ऐसे खाएंगे। बताते तेरी माँ की तेरे रुका, खा लो दम है तो खा लो, दम है तो खा। यार अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, दिमाग देखो, ये शॉप ढूंढने आई है, ये से शॉप दिख रही है, तुम्हें पता है? ये नहीं है, अबे तो आई थे। बहुत अच्छा लग रहा है, रिपोर्ट करते हैं। रात के 2 बजे, दिल नहीं है हमारा, दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया। ये दुल्हन रेडी हुई है और इनकी शादी अब शुरू हो रही है, देखते हैं शादी वादी कैसी होगी। मैं तो थक गया, क्लैप हो जाए से बजाएगा।
सेकंड डे मैं अपने गांव आ चुका हूँ अर्जुनपुर, और थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर भी अच्छा, खुला खुला है यार, अब अपनापन लग रहा है। वाह, दम घुट गया था मेरा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और देखो आज देखते हैं क्या होता है। तो हम आएगा यूपी, अपने गांव अर्जुनपुर, इन फुल देसी स्टाइल। जे रही बगिया, जे रहे खेत, जे रही सड़क, जे और रहे खेत। और आज हम निकलने वाले दिल्ली। हम तुम्हें बताए दे रहे, हमने बहुत कोशिश करी ऐसे बोलन की तब हम जे बोल पाए। कोई कमेंट में गाली गाली नहीं देगा, बताए रहे फुल देसी स्टाइल में बोल रहे। चलो बाय, मिलिए थोड़ी देर में। चलो भैया, फाइनली हम दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, स्टेशन आ गए हैं। 2 घंटे में हमारी ट्रेन आएगी, अभी 8 बजे हैं, 10 बजे की हमारी ट्रेन है। शर्मा जी हमें घूर रहे हैं, ये रही हमारी मिसेस शर्मा, ये रही हमारी बिट्टो, ये रहा स्टेशन। स्टेशन का नाम नहीं दिखता, नहीं दिखेगा। भाऊ गाँव, भाऊ। हाँ भाई, कैसा दिया? तो फाइनली हम दिल्ली अपने घर अपने शहर आ गए हैं। सॉरी रेलवे स्टेशन पे नहीं बना पाए थे, लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी में आ गए। सही बताएं, फटी पड़ी है, थक गए हैं बहुत गंदी तरीके से। शकल देखो कितने टाइटनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा। पूरी ट्रेन में सोई है, झूठ बोल रही है। हम जागे हैं, हमारा शकल देखो, देखो नौटंकी देखो भैया इनका, अरे थू है तुमके भैया। अभी भी देखो हम रगड़ रहे हैं हम। अच्छा मैडम को देखो मस्त। बाय द वे हमारी गली के व्यू कीजिए, ग्रीनरी है, कति ग्रीनरी। हमारे चेहरा देख के बता सकते हो फटी पड़ी है। देखो शर्मा जी और मिसेस शर्मा आगे जा चुके हैं, और चिंटू जी गाड़ी लगाने गए हैं। हम चल रहे हैं, चलो मिलेंगे भैया, आराम आराम सबको। पहला ब्लॉग है, बताइएगा आपको कैसे। नहीं, आपकी बकवास नहीं चाहिए, चुपचाप रहिए। चलिए निकलिए, जिंदाबाद। मजा ही आ गया।